हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने आपकी यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन वर्ल्ड इन हिंदी में। कैसे हो आप? तो आज हम एक फिर से नया नोटिफिकेशन आपके लिए लाए हैं। तो नोटिफिकेशन देखने से पहले आप अभी जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और लाइक को वीडियो देखने के बाद जरूर दबाना और बच्चों के साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का नोटिफिकेशन। नमस्ते दोस्तों, जो आज का नोटिफिकेशन है ईसीजीसी की तरफ से प्रोबेशनरी ऑफिसर एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो हम डिटेल में देखते हैं क्या है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर्स थिंग। तो चलो आज का नोटिफिकेशन देखते हैं। यह है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। इसमें जो पे स्केल यहाँ पे आप देख रहे हैं वो 32,795 और ये पे स्केल है ड्यू है रिवीजन फ्रॉम अगस्त 2017। तो इसके रिलेटेड में हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं, जैसे कि डीए है, हाउस रेंट है, लाइट बिल, मील के कूपन्स है, फर्नीचर अलाउंसेस है, न्यूज़पेपर के हैं। तो सब तरह के अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। अभी जो करंट सीटीसी चल रहा है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं वो उनका है बॉम्बे में 13 लाख पर एनम का। तो एक अच्छा सा यहाँ पे जॉब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। तो आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं वो मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोयम्बतूर, बैंगलोर, कोची, हैदराबाद, वाइजैग, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर एंड जयपुर। तो आप इसमें जो नियर बाय सिटीज है ऑल द कवर किए हैं उन्होंने, तो आप जहां आपको इजी लग रहा है वहां आप जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर वहां पे चूज कर सकते हैं। तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है। एडिट एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप उसके अंदर। और जो पेमेंट का जो फीस है वो 1 से 31 जनवरी के बीच में आप कर सकते हैं। आपको जो कॉल लेटर डाउनलोड करना है फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का, वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुआरी में होने वाला है। जो प्री एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग है फॉर SC ST वो सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ फेब्रुआरी में होने वाला है। तो डाउनलोड करना है आपको कॉल लेटर ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम का, वो होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। और जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 14 मार्च 2021 को होने वाली है। उसके बाद जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है बिटवीन 20 टू 31 मार्च लगने वाला है 2021 के, और इंटरव्यू आपका अप्रैल 2021 में होने वाला है, वो टेंटेटिव बोला है उन्होंने। और जो फाइनल रिजल्ट है वो अप्रैल मई में 2021 टेंटेटिव डेट दी है, वहां पे वो लग सकता है। तो यहाँ पे आपको जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली चेक करना है कुछ भी वहां पे नोटिफिकेशन आता है। तो अभी कुछ वैकेंसीज है उनकी बैकलॉग, वो ओबीसी के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए एक है। और जो नए वैकेंसीज में यहाँ पे उन्होंने दिया है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, अनरिजर्व के लिए 25। तो ऐसे मिला के 58 है। और जो बैकलॉग 1, तो ऐसे 59 वैकेंसीज प्रोबेशनरी ऑफिसर की यहाँ पे है। तो वैकेंसीज टेंटेटिव है, वो चेंज हो सकती है। ओके तो यहाँ पे जो विजुअली एम्पायर्ड है उनको 1 वैकेंसीज है, हियरिंग इम्प्रूवमेंट के लिए 2 है और जो फोर्थ कैटेगरी के लिए 1 है। तो ऐसे मिला के जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए पर्सन है उनके 4 वैकेंसीज यहाँ पे दिए है। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके क्या क्या है वो फिलफिल होते हैं क्या वो देखना है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके नेशनलिटी के बारे में उन्होंने बोला है, कैंडिडेट मस्ट आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान। ओके तो एज का सबसे इम्पोर्टेंट है वो 20 इयर्स
21 इयर्स टू मैक्सिमम 30 इयर्स, ये है एज का आपका कैटेगरी। तो 1991, 2 जनवरी 1991 जो डेट के पहले आप बॉर्न नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2000 के बाद के नहीं होना चाहिए। और एससी के लिए 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है एज का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है, और जो पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर का है, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 है। ओके, तो ये है आपका अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन फॉर द कैटेगरी। और जो पोस्ट पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, उनके लिए 5 ईयर्स का दिया है। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया है। मिनिमम एजुकेशन क्या चाहिए आपका, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, इन एनी डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, और वो बिफोर होना चाहिए 31 जनवरी 2021, आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए ऑन और बिफोर दैट डेट। तो इंटरव्यू के टाइम आपको सबमिट करना पड़ेगा, तो वहां पे डेट दिया है 31 जनवरी 2021 का। तो ओरिजिनल इश्यूड आपके पास होना चाहिए वो। तो ये जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा है। ओके, यहाँ पे आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेशन कराया है उसके बारे में भी डिटेल जानकारी दी है, आपका डिसेबिलिटी के बारे में है, कौन से टाइप्स है, क्या क्या है उसके अंदर। तो आप जो जो आपको इम्पोर्टेंट है मैंने अभी बताया आपको, अभी हम एग्जामिनेशन के रिलेटेड भी देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस हो सकता है यहाँ पे, उन्होंने वो मेंशन किया है। ओके, तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है यहाँ पे उन्होंने दिया है। देखो, 5 सेक्शन होने वाले हैं। तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए 50 क्वेश्चन, और मैक्सिमम मार्क रहेंगे 50 और 40 मिनट का समय है। तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 30 मिनट का समय। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, 10 मिनट का समय। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, 20 मिनट का समय होने वाला है। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उनके 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 40 मिनट का समय। तो टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स, और जो आपका ड्यूरेशन है 140 मिनट का रहने वाला है। दूसरा जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव का, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे एसे राइटिंग रहेगी और प्रिसाइज राइटिंग, दोनों 20 मार्क्स रहेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चूज करना पड़ेगा, और जो टाइमिंग रहेगा वो 40 मिनट्स का रहेगा कंबाइंड। तो एक है फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एमसीक्यू, और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो ये है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिलेटेड में। तो आपको इसका जो पढ़ाई है वो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए यहाँ पे टाइमिंग भी दिया है सेक्शन वाइज। तो इसके रिलेटेड आप तो पढ़ाई करते ही होंगे। पेनल्टी है आपको 1/4 मार्क की, वो भी आपको ध्यान रखना है। निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, मतलब यस। तो आपको अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही है, लेकिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए सब कुछ, जो रीजनिंग का है इसके लिए, क्वांटिटेटिव का है, जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको अच्छी तरह से होना चाहिए नॉलेज। तो ये अभी है, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली कंसिडरिंग द पेनल्टी टू, तो ये आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अभी कट ऑफ अप्लाई होगा दो स्टेज, जो स्कोर होगा इंडिविजुअल टेस्ट में एंड टोटल स्कोर, तो इसके रिलेटेड कट ऑफ होगा। ओके, सो आपका अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए। ये एक अच्छा कंपनी आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, और आपको फ्रेशर है तो आप अप्लाई जरूर करिए। और आपको एक अच्छा मौका है, पैकेज भी यहाँ पे जो सीटीसी उन्होंने दिया है वो एकदम अच्छे से दिया है, मतलब 13 लाख, जो मुंबई जैसी सिटी में इट्स अ वेरी बेस्ट काइंड ऑफ पैकेज फॉर द फ्रेशर। तो एक बार इसको आप ट्राई करो ऑनलाइन एग्जाम के लिए। आपका जब फ्रेशर है आप पास आउट, तो आप इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो सब उन्होंने डिटेल में यहाँ पे दिया है सब कुछ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है सब कुछ। तो आपको ये अच्छी तरह से नोटिफिकेशन इसका एक बार पढ़िए, तो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। एक थोड़ा लंबा नोटिफिकेशन है, और हमारे चैनल में हम ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन
जो आपके लिए हितकारी है, इम्पॉर्टेंट है, हम लाते रहने वाले हैं। इन्होंने सब कुछ दिया है, डॉक्यूमेंट इन सोशल डिस्टेंसिंग क्या रहने वाले हैं, ग्लोव्स, मास्क वगैरह, उसके बारे में भी आप एक बार पढ़ो। क्योंकि कोविड की सिचुएशन की वजह से आपके कोई जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो फोटो रहेंगे स्कैन करके, उसका साइज क्या रहेगा, इमेज का साइज क्या रहेगा, उसके बाद सिग्नेचर का, ये सब कुछ उन्होंने डिटेल में दिया है। तो एप्लीकेशन ये जो इन्होंने दिया है नोटिफिकेशन, ये थोड़ा लंबा नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत लंबा है। पेजेस शायद उनके 43 पेजेस है। तो मेन मेन जो है यहाँ पे मैंने कवर किया है। तो आपको एनेक्चर है, क्या क्या लगने वाले है, वो सब उन्होंने दिया है। तो एक अच्छे तरह से पढ़ लो आप, और चैनल को शेयर करो, आप वीडियो को शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहने वाले हैं। तो आप फ्रेशर है, तो आपको लगता है कोई फ्रेंड से आपका मेंबर है फैमिली का, उनको भी ये एप्लीकेशन और जो नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको जरूर इस वीडियो को शेयर कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन का लिंक दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और लाइक करो।